खान साहब अभी 9 हलकों से इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है वो जीतेंगे? और अगर जीतेंगे तो क्या खास वजह है कि वो जीतेंगे? पूरा पाकिस्तान उसको चाहता है। जी हाँ, ये जीत के रहेंगे। सूरत हाल जो है ना नून लीग की थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी सी हाँ, ज़्यादा इसलिए हो गई है कि वो जरा उनको लिमिट पूरी करने देते इमरान खान को 5 साल। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी आवाम का पैसा जाया कर रहे हैं? क्योंकि आप 9 सीटों से भी जीत जाएं, आपने मिलनी तो आपको 1 सीट ही है। आप क्यों इतनी सैल लेती हैं? आप नून लेके वाला वो सुना है कि पठान पागल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, खर दिमाग भी होते हैं साथ। इंशाल्लाह जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे वो? यकीन से आप कैसे कह रहे? क्योंकि नून लीग ने अब कोई कसर ही नहीं पीछे छोड़ी। खान हमेशा थोड़े ना उल्टे उल्टे काम ही करते हैं, लेकिन जो पहले कभी भी नहीं हुआ वो उन्होंने किया है, तो मे भी इस दफा 9 में 9 में ही जीत। झूठ बोलता है खान सब, झूठ क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद, और हमेशा की तरह मैं मौजूद हूँ इचरा में एक नए सवाल के साथ। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान साहब 9 हलकों में इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो इलेक्शन जीतेंगे? क्योंकि 2018 में वो 5 हलकों में इलेक्शन उन्होंने इकट्ठे जीते थे और ये तारीखी फतह थी उनकी, और अभी वो पाकिस्तान में वैसे भी सबसे ज़्यादा लाइक अजीम लीडर भी बन चुके हुए हैं आवाम की नज़र में भी और वैसे भी। तो मैं लोगों से ये जानना चाह रही हूँ कि अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो लोग जीत पाएंगे, और अगर जीत पाएंगे तो कैसे जीतेंगे, और अगर जीतते हैं भी सही तो इमरान खान साहब को तो 1 ही सीट मिलनी है, इसमें आवाम का क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो यही लग रहा है कि नुकसान ही है, क्योंकि इतना पैसा जो खर्च होना है एक एक MNA पे तो वो तो आवाम का ही लगना है। तो आइए वैसे लोगों से बात करते हैं, उनसे जो इसके बारे में व्यूज़ हैं वो जानते हैं। खान साहब अभी 9 हलकों से इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है वो जीतेंगे, और अगर जीतेंगे तो क्या खास वजह है कि वो जीतेंगे? इमरान खान ही जीतेंगे, ये तो साफ ज़ाहिर है कि जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उसको चाहता है। जी हाँ, ये जीत के रहेंगे। यकीन से आप कैसे कह सकते? मैं इसी यकीन से कह सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ ही है, इस वजह से कह रहा हूँ कि इमरान खान ज़रूर जीतेगा। आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा जो वो 9 हलकों में इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं? ज़रूर है, क्यों? सीट तो फिर भी 1 ही मिलनी है। सीट मिलेगी तो नाम तो उसका होगा काफ़ी, वो जीतेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। देखें जी, अभी तो सूरत हाल जो है ना नून लीग की थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी सी हाँ, ज़्यादा इसलिए हो गई है कि वो जरा उनको लिमिट पूरी करने देते इमरान खान को 5 साल, तो उसके बाद आते तो फिर इमरान खान, देखें जो हालात इमरान खान ने पैदा किए थे महंगाई के, उन्होंने भी यही तरक्की की है, महंगाई जो आने वाला उसने भी महंगाई की है, तो आवाम जो उनसे है रिलीफ चाहती है। रिलीफ किसी ने नहीं दिया, ना इमरान खान ने दिया है ना नून लीग ने दिया है, ये हकीकत है, जो हकीकत है जो नज़र आ रहा है। बाकी इमरान अगर नवाज शरीफ के चांस बनते अगर आ जाते हैं तो फिर पल्ला नून लीग की तरफ जा सकता है। अच्छा, क्या किया जाए ना कि जो पल्ला है थोड़ा नून लीग की तरफ चला जाए? देखें जी, बात यह है कि आवाम इस टाइम इतनी को परेशान हो चुकी है ना, मैं आपको सही बात बताऊँ कि सियासतदानों से वैसे ही लोगों का कुछ तो दिल उठ गया, जो इनके जलसे जुलूसों में लोग नज़र आ रहे हैं ना इमरान खान के, वो खाली लाहौर के नहीं हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, मुल्तान से आ रहा है, कोई कहाँ खाने वाल से आ रहा है, कोई पिशावर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। जलसा जहाँ का लाहौर में है तो फिर लाहौर ये आए ना, फिर जलसे का पता लगता है कितना आवाम आई है। अभी जो था वो भी तारीखी जलसा था, इतनी ज़्यादा आवाम थी। आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान से जब बुलाओगे तो वो नून लीग भी बुला लेगी, तो ऐसे तारीखी जलसा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी बुला लेगी तो वो भी तारीखी जलसा हो जाएगा। मकसद कहने का है कि अवाम को कोई भी हुकूमत है अल्लाह के वास्ते कोई अवाम के रिलीफ दो यार। आपको क्या लगता है अभी इमरान खान साहब 9 हलकों से इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जीत होगी उनकी? इंशाल्लाह होगी। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं? क्योंकि अब 9 सीटों से भी जीत जाएं, आपने मिलनी तो आपको 1 सीट ही है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या इतना पैसा आ गया कि एक एक MNA पे अरबों रुपए लगाएं? उनके साथ उसकी आवाम जिसका प्यार उनके साथ, ये तो सोचे ना, प्यार में लूट लो आवाम को। नहीं, लूटते नहीं है। आप क्यों इतनी सैल लेती हैं? आप नून लेके वाला? नहीं, मैं किसी की भी नहीं हूँ, मैं ना नून लेके। इंसान बात तो हक की करे ना, बात तो इंसान को साफ। तो सिर्फ अपना क्वेश्चन आपके आगे रख रही हूँ कि आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इंसानियत उनकी अच्छी है, लेकिन उसमें धोखा नहीं है। वो सुना है कि पठान पागल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, खर दिमाग भी होते हैं साथ। मुझे एक बात बताएं, इसने गवर्नमेंट को और आवाम को ना दोनों को बेवकूफ़ बनाया। वो कैसे 9 हलकों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेगा, 9 हलकों पे ऊपर जीत गया, वो सीट तो उसने एक ही रखनी है, ठीक है,
और उसके बाद मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब 9 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे कितना पैसा लगेगा? मैक्सिमम एक एमपीए 12-15 करोड़ रुपए देकर फिर आता है असम्बली में, ठीक है? अगर 9 हल्कों के ऊपर लगा रहे हैं 1.5 अरब रुपया, ये इसके बाप ने देना। मैं बात गलत नहीं कर रहा, ये इमरान, मेरा इंटरव्यू ऐसे लाइव चलाए इमरान खान तक पहुँचे कि तेरे बाप के पैसे नहीं है या तुम तो भीख मांगने वाला था, तेरे पास तो शौकत खान के लिए पैसा नहीं था, तूने आप लोगों ने कानों के अंगूठियाँ लॉकेट औरतों ने दिए हुए हैं, दिए वो पैसा कहाँ गया है? खानम बन नहीं गया, शौकत खानम बन गया, आप जा सकती हैं। मैं जा रहे हैं काफ़ी लोगों का इलाज, मैं आपको मैं गारंटी से कहता हूँ माड़ा बंदा कोई कसम अल्लाह की उधर किसी आदमी को एंटर भी नहीं होने देते, सिर्फ उधर कौन जाता है? जो मर्जई है, जो कादयानी है। ये मैं ऑन कह रहा हूँ, मेरा यकीन करें, ऐसे लाइव प्रोग्राम चलाएं आप नहीं तो आप मेरे से यकीन से कैसे कह सकते? मेरे मुझे पता है ना, वो तो बने कादियानियों के लिए, मिर्जाइयों के लिए बना हुआ है, ये खुद भी मर्जई है। आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, इसका दादा परदादा क्या कहा था, मर्जाइयों कराता थे नहीं, पास करवाई इन लोगों ने, बताएं आप पाकिस्तान बनने से पहले क्या थे? ये मीडिया को पता है, सबको पता है, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं उछालते, आप लोगों के ऊपर ना क्या दबाव है? किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, नहीं नहीं, ये बात गलत है, मीडिया के ऊपर ही दबाव है। एक दफ़ा स्लाइड चलती है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती मीडिया की भी स्लाइड चलाने की, ये बात कन्फर्म है। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ ये थोड़ा सा इंटरव्यू चलाना है, मुझे पता है। आप मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू लेंगे और चलाएंगे कितना, गिनती का 30 सेकंड का, 30 सेकंड का भी नहीं चलाएगा। इंशाल्लाह जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे वो? यकीन से आप कैसे कह? क्योंकि नून लीग ने अब कोई कसर ही नहीं पीछे छोड़ी, क्योंकि 3 रुपये का इन्होंने लॉलीपॉप पहले दिया है कि जी पेट्रोल सस्ता कर दिया, रातों रात इन्होंने 6 रुपये महंगा कर दिया, टैक्स वगैरह जो उनसे 3,000 रुपया 4,500 लग के आ रहा है, यूनिट 105 बले हैं और 9,000 रुपया बिल आ गया हुआ है, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है, सब चोर मिले हुए हैं ये। लेकिन ये मुआहदे जो सारे हैं ये इमरान खान साहब करके गए थे, जो महंगाइयाँ हुई हैं या जो बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, तो इसमें नून लीग की तो कोई गलती नहीं? कोई नहीं, ये सब इनकी गलती है, सब्सिडी दे के गया हुआ था इमरान खान, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये इन्होंने अपने घर भरे हुए हैं। खान हमेशा थोड़े ना उल्टे उल्टे काम ही करते हैं, लेकिन जो पहले कभी भी नहीं हुआ वो उन्होंने किया है, तो मे भी इस दफ़ा 9 में 9 में ही जीत। झूठ बोल बोलते हैं खान साहब, झूठ क्या कहते हैं? झूठ बोलते हैं, कौन सा झूठ बोला है? आपने बोला नहीं ये 50 लाख मकान देंगे, 50 लाख जब नौकरी दें, कहाँ दी नौकरी, कहाँ कुछ नया क्या बना है? हुकूमत पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए वो कहते हैं। नहीं वो नहीं, मौका नहीं मिला, मौका क्यों नहीं मिला, 4 साल में कुछ नहीं मौका मिला, मेरे को मौका मिला है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट कर रहा, ये तो होता है ना, कोई तो आपको लगता है दोनों पार्टी गलत है, तीसरा ना हम पहले नून लीग से, वो भी अब उसकी लाल खेच रहा है, वो उसकी लाल खेच रहा है, आवाम पीस रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं, अब आवाम का क्या कसूर है? इतने टैक्स दे रहे हैं वो सब बिजली में बिल में, उसमें इसमें, ये नहीं हो सकता। खान साहब आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी? ज़ाहरी बात, डेफिनेट कोई जादू की छड़ी है जो वो घुमाएंगे? छड़ी नहीं है, ज़ाहिर हमारा मुल्क चल रही है, ओवरसीज मुल्कों जो पैसा भेज रहे हैं उनकी वजह से चल रहा है, तो ज़ाहिर है वो अब ट्रस्ट ही इमरान खान पे कर रहे हैं, वो उन्होंने जो पैसा भेजना है वो बंद कर दिया भेजना, इसलिए ये मुल्क का हालात हुए हैं। ज़ाहिर वो पैसा आएगा, हमें कर्ज़ा देगी तो अच्छे हालात हो जाएंगे। कर्ज़ा लेना ही है, फिर भी इमरान खान साहब ने मांग नहीं है, इन्होंने नहीं, इन्होंने कर्ज़ा लेना है, उन्होंने तो ओवरसीज से पैसे लेने हैं, ओवरसीज पैसा भेजेगा, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कर्ज़ा लेना। जलसा देखा है आपने जिस तरह से इमरान खान, बहुत अच्छा हुआ है, कहा जा रहा है कि इस वो लाहौर के लोग नहीं थे, वो सारे जो पाकिस्तान से बाहर बुलाए, लाहौर था पूरा, लाहौर स्टेडियम में, इतना स्टेडियम में कोई है, पूरे पाकिस्तान से बंदे भी आए हुए थे? नहीं मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान से, मेरे तकरीबन ये नज़दीक जो शहर हैं उनसे आए होंगे, गुजराले लगा लो, मरीज के लगा लो, कामों के शरफपुर लगा लो, अगर नून लीग कॉल करे तो फिर भी सारे लोग आ जाएंगे? नहीं आएगी नून लीग, आज कॉल करके देख ले, इतनी नहीं आएगी प्रॉब्लम। जी नाज़रीन, लोगों की बातें आपने सुनी, सबको यही लग रहा है कि जीतेगा तो इमरान खान साहब ही, बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब जीत भी जाते हैं 9 हलकों से तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सीट तो उनको एक ही मिलनी है, वो तो दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या ये इलेक्शन ही खेलते रहेंगे? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।